ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा था क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिए गए इसको सॉल्व करना है और आपको घातांक के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 625 गुना 27। तो सबसे पहले 625 को आप क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और ये 27 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर उसको हम लिखेंगे घातांकीय रूप में। चलिए लिखते हैं, क्या है ये 625 है, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो ये किससे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा किससे, 5 से। तो चलिए देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ से 1 निकला 12 बन गया, 5 दूना 10, फिर 2 निकला, 5 पच्चे 25, फिर यहाँ से 5 से 5 दूना 10 और ये 5 पच्चे 25, फिर यहाँ से 5 पच्चे 25, फिर लास्ट 5 एकम 5, यानी जो 625 था इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 5 का पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला एक और, इसमें क्या था आपका था 27, तो 27 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो किससे देंगे इसको, 3 से देंगे दोस्तों, सॉरी मैंने 2 लिख दिया था, इससे किससे देंगे, 3 से। तो 3 नवा 27 और ये 3 3 9, फिर यहाँ 3 एकम 3। अब ये क्या हो गया, 27 को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 27 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 3। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका क्या, देखिए यहाँ पे 625 गुना 27 बराबर आप इसको क्या लिख दोगे, 5 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, बस यही करना था और कुछ भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की और, ये था आपका क्या, ये आपका था क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें दे रखा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, 36 गुना 64। तो सबसे पहले हम 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर 64 का, फिर दोनों को एक साथ हम लिख देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले 36 लिख लो, 36 को क्या करना है, ये देखिए 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, फिर यहाँ से कितना निकला, 1 यहाँ बना 16, 2 8 16, फिर यहाँ से देखिए 2 से जा रहा है 2 नवा 18, फिर यहाँ 3 से 3 3 9, फिर यहाँ 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3, सॉरी 2, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2, ये हो गया आपका 36 का। अब इसी तरह से निकाल लेंगे किसका दोस्तों, 64 का। तो चलिए 64 का भी निकालते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 से 32 बार में, फिर यहाँ से 2 से 16 बार में, फिर यहाँ 2 से 8 बार में, फिर यहाँ से 2 से 4 बार में, फिर यहाँ 2 2 बार में और यहाँ 2 से 1 बार में, कितना बार में आया, 2 2 4 2 6, यानी 2 का पावर 6 बराबर आपका हो जाएगा क्या, 64। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो पहले देखिए क्या आया था, 36 का जब हमने निकाला तो कितना आया, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। ठीक है, अब जब क्या निकाले, 64 निकाले तो आया है आपका 2 का पावर 6। अब इसी को हम आगे क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 36 का आपका आया था क्या, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 और ये 64 का आया था 2 का पावर 6। तो अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर 2 और ये 2 का पावर 6, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 का पावर 8 गुना 3 का पावर 2, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, देखिए लिख रखा है 729, तो इसको हम चेक करेंगे, देखिए किससे जाएगा आपका, 3 से जाएगा, देखिए तो चलिए 3 से ही देते हैं, 3 दूना 6, 3 चौके 12 और ये 3 3 9, फिर 3 से दीजिए, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 दूना 6 और ये 3 9 सॉरी 3 7 21। ठीक है, चलिए देखिए अब 3 से क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 9 27, फिर यहाँ 3 से दीजिए, 3 3 9, फिर यहाँ से 3 एकम 3, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 और 243 3 729, ये आपका सही है। अब देखिए 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 और ये 6 6 बार आया, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 3 का पावर 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए यहीं पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, इसी का है,
लिख रखा है आपका 1024, तो 1024 को भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 5 10, 2 1 2, 2 2 9 4, फिर यहाँ से 2 से 2 2 9 4, फिर यहाँ 2 5 10, 2 6 12, फिर से 2 1 2, 2 2 9 4, और यहाँ से कितना निकला, 1 2 8 16, फिर यहाँ 2 से 2 6 12, 2 4 8, फिर यहाँ 2 से 2 3 6, 2 2 9 4, फिर यहाँ 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर यहाँ से 2 4 8, फिर यहाँ 2 2 9 4, और लास्ट में 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आपका आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों, 10 बार। तो एक बार इसको आप क्या कर लो, चेक कर लो, 2 2 9 4 2 9 8 2 9 16, 2 9 32 2 9 64 2 9 128, 2 9 256 2 9 512, और 2 9 10 24, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। एक बार इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आपका क्या हो गया, 200, सॉरी 2 का पावर 10 बराबर क्या होता था आपका, 1024। तो 1024 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 10। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों।